सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको इस वीडियो के विषय में या फिर जिस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बात करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप चाहें इस वीडियो की सच्चाई देखना चाहते हैं तो आप सीएम शिवराज सिंह जी की साइट पर जाकर आप अपनी संतुष्टि के लिए साइट पर ये सभी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो फेक नहीं है, इसमें जो भी बातें बताई गई सब जरूरी और ओरिजिनल है। मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सरकार ने प्रतिवर्ष 4000 रुपये सभी किसान भाइयों को जो इस योजना के पात्र हैं देने का वादा किया है। किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। जिस तरह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मोदी सरकार सालाना 6000 रुपये प्रदान करती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी सालाना 4000 रुपये मध्य प्रदेश किसानों को 2 किस्तों में 2000 रुपये देगी। योजना के पहले चरण में 5,70,000 किसानों को फायदा होगा। सरकार के पास 70 लाख किसानों का डाटा है। इस वर्ष चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार इस राशि को बढ़ा भी सकती है। सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनको पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है या उनमें इनका खाता है। आपको पता होगा इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 से 3 एकड़ ज़मीन है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी उनके परिवार में ना हो या फिर वो व्यक्ति या किसान इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला ना हो। मतलब जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ना ही किसान सम्मान निधि का, ना ही पीएम किसान सम्मान निधि का। अब बात करते हैं आगे। शिवराज सरकार साथ ही साथ नर्मदा जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शिवराज सरकार ने एक और योजना का शुभारम्भ कर दिया है जिसका नाम है लाडली बहन योजना। यह योजना 3 माह बाद शुरू होने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार की बहन चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो उसे प्रति माह 1000 रुपये सालाना, कहे तो 12000 रुपये मिलेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक परिवार में मोदी जी के 6000 रुपये और शिवराज सिंह के 4000 रुपये और अब लाडली बहन के 12000 रुपये टोटल कुल मिलाकर सालाना 22000 रुपये मिलने जा रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें इस योजना के बारे में। ये योजना आपको कैसी लगी?